Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here's a book. The name is Literary Journeys. And today we are going to start chapter number 10. And the name of the chapter is Tom Sawyer Paints the Fence. So there's a boy named Tom Sawyer. And what he's doing? He's painting a fence. Let's start the chapter with warming up. So the story is a small part taken from the main story. ये जो story है ये ली गई है कहाँ से? The Adventures of Tom Sawyer. इस main story से ली गई है. In this chapter, Tom reveals his basic knowledge of human psychology. इस story में क्या है? Tom अपनी reveal करता है उसको क्या क्या basic knowledge है human psychology की. A person mostly desires what cannot be easily attained. किसी भी इंसान को क्या चाहिए होता है? वो जो उसे आसानी से नहीं मिल पाता. Tom is also a fine actor. Tom भी एक बहुत अच्छा एक्टर है. And he cleverly uses this ability in handling his friends. और इसी एबिलिटी की वजह से वो अपने फ्रेंड्स को बहुत ईजिली हैंडल कर पाता है. Thus, Tom is able to use this basic understanding of human nature to get others to do his work for him. तो इसी चीज की वजह से वो क्या करता है? लोगों के नेचर को पहचान पाता है और अपना काम निकलवा लेता है. To pay for the privilege of doing it. And वो क्या करता है? टू गेट अदर्स टू डू हिज वर्क फॉर हिम एंड टू पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ डूइंग इट. तो इसका मतलब है कि वो लोगों से अपना काम निकलवाने में बहुत ज़्यादा उसने जो है महारत हासिल कर रखी है. वो लोगों से अपने काम निकलवा लेता है एंड प्रिविलेज भी नहीं लेता. लेट्स नाउ रीड आउट द स्टोरी टू नो मोर अबाउट टॉम. तो चलिए पढ़ते हैं टॉम के बारे में और कुछ. टॉम, नो आंसर. Tom, no answer. What is wrong with that boy, I wonder. Tom, again, no answer. तो कोई टॉम को बार बार बुला रहा है और कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है टॉम की तरफ से. फिर उस पर्सन ने बोला कि क्या क्या हो गया इस लड़के को, क्यों ये किसी की बात नहीं सुनता? फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया. कौन बुला रहा है? Aunt Polly pulled her spectacles down and looked for him across the room. अब Aunt Polly क्या कर रही है? उन्होंने अपने चश्मे को नीचे किया और अब वो टॉम को पूरे रूम में ढूंढ रही हैं. Will I say if I get hold of you, I will. अब Aunt बहुत गुस्से में है. उन्होंने कहा कि अगर टॉम मुझे मिल गया फिर देखना मैं क्या करती हूँ. She went to the open doorway and looked out among the tomato vines in the garden. अब जो है आंटी कहाँ गई? उन्होंने दरवाज़ा खोला, गार्डन में गई जहाँ पे कुछ टोमेटोज की बेल लगी हुई थी. She didn't find him there. उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे भी टॉम नहीं है. So she yelled, raising her voice. अब उन्होंने गुस्से में yell means बहुत तेज चिल्लाया. क्या चिल्लाया? Tom. There was a slight noise behind her and she turned just in time to get hold of that small boy near the cupboard. तो अब जो है उन्हें क्या सुनाई दिया? उन्हें एक हल्की सी आवाज आ रही थी उनके पीछे से. तो वो क्या किया उन्होंने? वो घूमी पीछे देखने के लिए कि कौन है. तो जैसे ही वो घूमी उन्होंने देखा क्या कि एक छोटा सा बच्चा है कबर्ड के पास खड़ा हुआ. What have you been doing there? तुम क्या कर रहे थे? तो रिप्लाई आया, Nothing. कुछ नहीं कर रहा था. Nothing? Look at your hands and look at your mouth. अपने हाथ देखो, अपना मुंह देखो. I don't know, aunt. अब टॉम का क्या रिप्लाई था? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में. Well, I know it's jam. That is what it is. तो
तो आंट ने कहा मुझे पता चल गया है, क्या है वो तुम्हारे हाथ पे तुम्हारे मुंह पे, वो जैम है। 40 टाइम्स आई हैव सेड इफ यू डिडंट लेट दैट जैम अलोन आई वुड स्किन यू, हैंड मी दैट स्टिक। तो अब आंट बहुत गुस्से में थी, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कई बार बोला है, यहाँ पे 40 टाइम्स का मतलब है कई बार बोलना, सो मैंने तो तुमसे कई बार बोला है कि जैम को मत छुओ, उसे रहने दो, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, मुझे वो स्टिक दो। माय लुक बिहाइंड यू आंट, शाउटेड टॉम। अब टॉम ने आंट का दिमाग भटकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या कहा, माय अपने पीछे देखो आंट क्या हो रहा है। द ओल्ड लेडी वर्ल्ड राउंड एंड दिस वॉज टॉम्स चांस। तो जैसे आंट पीछे घूमी देखने के लिए कि टॉम क्या दिखा रहा है, टॉम को चांस मिल गया। द लैड फ्लेड ऑन द इंस्टेंट, स्क्रैम्बल अप द हाई ब्रॉड फिन्स एंड डिसअपीयर्ड ओवर इट। तो जैसे आंटी पीछे घूमी देखने के लिए कि टॉम क्या दिखा रहा है, इतनी देर में टॉम वहां से गायब हो गया। एंड जो बड़े बड़े फेंस लगे थे उसके ऊपर से कूद के वो वहां से भाग गया। हिज आंट पॉली स्टूड सरप्राइज फॉर अ मोमेंट, आंट तो देखती रह गई ये हुआ क्या है, एंड देन ब्रोक इनटू द जेंटल लाफ, और ये देखते ही वो हंस पड़ी। Can't I ever learn anything? But my goodness, he never plays them alike. 2 days and how is a body to know what is coming? So, अब जो aunt है वो खुद से ही बातें कर रही हैं कि क्या मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं सीख पाऊंगी। But my goodness, he never plays them alike. एक जैसा वो कभी भी नहीं रहता है। 2 days and how is a body to know what is coming? He is naughty, वो बहुत ही naughty है, I know. Spare the rod and spoil the child. Means अगर डंडी छोड़ दी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो डंडी हाथ में ज़रूर रखो. But he is my own dead sister's boy. लेकिन ये मेरी मरी हुई बहन का बेटा है. Every time I scold him, my conscience does hurt me. जब भी मैं इसे डांटती हूँ तो मेरा जो अंदर की जो आत्मा है वो मुझे क्या करती है, hurt करती, मुझे बहुत बुरा लगता है। And every time I hit him, my old heart breaks. और जब भी मैं उसे मारती हूँ टॉम को, तो क्या होता है, मेरा दिल टूट जाता है। If I don't punish him, he will grow up lazy and spoiled. और अगर मैंने टॉम को पनिशमेंट नहीं दी तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएगा और स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद हो जाएगा। I must be strict. तो मुझे क्या होना चाहिए, टॉम के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। I will make him work tomorrow to punish him. चलो कल मैं उसकी क्लास लूंगी, मैं उसको पनिशमेंट दूंगी और उसके बदले मैं उससे काम करवाऊंगी। इट्स माइटी हार्ड टू मेक हिम वर्क ऑन सैटरडेज व्हेन ऑल अदर्स आर ऑन अ हॉलीडे। तो अब आंट सोचती हैं कि टॉम से काम कराना तो बड़ा मुश्किल है, और वो भी कब, सैटरडेज को काम कराना, क्योंकि बाकी लोगों की उस दिन छुट्टी होती है। ही हेट्स वर्क Then he hates anything else. उसे काम करने से ही नफरत है, कोई भी चीज़ हो, पर सब चीज़ों में काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। That will punish him. और जो चीज़ उसे पसंद नहीं है वही करवाऊंगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। Saturday morning came and it was bright, fresh and full of lives. तो अब सैटरडे की सुबह हो चुकी थी, सब जगह ब्यूटीफुल फ्रेश, दिन बहुत अच्छा था, ब्राइट था, एकदम फ्रेश एयर थी, और ऐसा लग रहा था दिन जो है एकदम फुल ऑफ लाइफ है, लाइफ से भरा हुआ दिन है। देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट एंड चीयरफुलनेस ऑन एवरी फेस, सब कोई बहुत खुश दिख रहे थे, चीयरफुल दिखाई दे रहे थे। The hill beyond the village was covered with summer greens.
जो पहाड़ थे पीछे विलेज में वो ग्रीन कलर से एकदम फिल थे, ग्रीन पहाड़ थे. इट सीम्ड अ वंडर लैंड ऑफ जॉय, ड्रीमी, रेस्टफुल एंड इनवाइटिंग. ऐसा लग रहा था कि किसी ड्रीमी जगह पे आ गए हैं, किसी सपनों की दुनिया में आ चुके हैं. टॉम अपीयर्ड ऑन द पेवमेंट विद अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडल ब्रश. तो टॉम कहाँ आ चुका था, पेवमेंट पे आ चुका था. उसके हाथ में था एक बकेट जिसमें वाइट वॉश था, मीन्स पेंट था, और एक लंबा सा लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश था. ही सर्वेड द फेंस. अब उसने क्या किया, अच्छे से फेंस को एग्जामिन किया. फेंस क्या होता है, आपने देखा होगा कि गार्डन के बाहर लोग जो क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं लकड़ियों की, ताकि कोई गार्डन को खराब ना कर पाए. तो इस बाउंड्री को ही फेंस कहते हैं. तो अब उसने अच्छे से फेंस को देखा. एंड एट द अनइंस्पायरिंग साइट ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम एंड अ डीप सैडनेस सेटल्ड डाउन इन हिज स्पिरिट. तो उसकी सारी खुशी चली जा चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था. 30 yards of broad fence, 9 feet high. Fence कितने बड़े थे, 30 yards लंबे थे and 9 feet high थे, ऊंचे थे. Life to him seemed hollow and existence of burden. अब उसे ऐसा लग रहा था life में कुछ बचा ही नहीं है, life एकदम खाली है. Hollow means खाली है. And कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में, पूरी जिंदगी बोझिल हो चुकी है, बोझ से भरी हुई. Sighing his, he dipped his brush and passed it along the topmost plank. अब उसने क्या किया, ये देखते हुए, सांस लेते हुए उसने क्या किया, ब्रश को डिप किया पेंट में और अच्छे से फेंस पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया. He began to think of the fun he had planned for this day and his sorrows multiplied. अब वो पेंट करते करते सोचने लगा कि ये भगवान, मैंने आज क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो गया, मैंने क्या क्या प्लानिंग की थी, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा. पर जैसे जैसे वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसके दिल में और ज़्यादा क्या आ रहा था, सोरो, मीन्स वो और ज़्यादा सैड फील कर रहा था. Soon the free boys who would come tripping along and they would ridicule him for having to work. अब थोड़ी देर में ही उसको पेंट करता देख के कुछ फ्री बच्चे, मीन्स वो खेल रहे थे तो वो आए वहाँ पे और वो उसका मजाक उड़ाने लगे. The very tough thought of it burned him like fire. और ये सब चीज़ें देख के, ये सब चीज़ें सोच के उसके दिल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. He got out of his worldly wealth and examined it. अब वो अपनी जो है दुनिया से बाहर आया और सब कुछ एग्जामिन करने लगा. Bits of toys, marbles, all worthless things. अब वो सोचने लगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, टॉयज वगैरह, ये सब क्या है, फालतू की चीज़ें हैं, वर्थलेस हैं. They were not enough to buy half an hour of pure freedom. ये जो चीज़ें हैं, जो टॉयज होती हैं या जो मार्बल्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है किसी को आधे घंटे का सुकून नहीं दे सकते, फ्रीडम नहीं दे सकते. काश ये चीज़ें आधे घंटे की फ्रीडम दिलवा देते. सो ही पुट देम बैक इन टू हिज पॉकेट एंड गेव अप द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू बाय हिज फ्रीडम. तो उसने क्या किया, ये खिलौने और मार्बल्स अपने पॉकेट में वापस रखे और उसने इस आइडिया को छोड़ दिया कि काश इन्हें वो अपने आंट को देके उनसे आधे घंटे की फ्रीडम ले लेता. एट दिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट ही गॉट अ ग्रेट मैग्निफिशेंट आइडिया. अब ये सब कुछ सोच रहा था वो, करते करते अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही टुक अप हिज ब्रश एंड कामली रिज्यूम्ड वर्क. उसने ब्रश उठाया और धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया. बेन रॉजर केम इन टू व्यू. अब बेन रॉजर आया वहां पे, द वेरी बॉय ऑफ ऑल बॉयज हुज रिडिव्यूल ही हैड बीन ड्रेडिंग. सो जिसके बारे में सोच रहा था वो बच्चा आ चुका था वहाँ पे, बेन रॉजर. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल एंड सीम्ड टू बी इन हाई स्पिरिट्स. बेन एक एप्पल खाता हुआ आ रहा था टॉम की तरफ और ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा खुश है वो.
एनर्जी से भरा हुआ है. टॉम वेंट ऑन ड्रिपिंग द ब्रश इनटू द बकेट एंड वाइट वॉशिंग एंड पेड नो अटेंशन टू बेन. अब उधर से बेन आ रहा था, टॉम ने तो देख लिया, बट वो वाइट वॉश करने में लगा हुआ था और ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसने बेन को देखा ही नहीं. बेन सेड, हाय, यू आर इन ट्रबल, आरंट यू? तो बेन ने कहा, तुम मुसीबत में लग रहे हो टॉम, क्या तुम मुसीबत में हो या नहीं? तो टॉम की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया, नो आंसर. टॉम सर्वेड हिज लास्ट टच विथ द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, गेव हिज ब्रश अनदर जेंटल स्वीप एंड सर्वेड द रिजल्ट एज बिफोर. अब टॉम क्या करने लगा, जो भी वो पेंट कर रहा था उसे लास्ट टच दे रहा था और अपने ब्रश को ऐसे देख रहा था, गेव हिज ब्रश अनदर जेंटल स्वीप, और अच्छे से ब्रश को जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट बचा था वहाँ पे पेंट कर रहा था, एंड अपना जो रिजल्ट था उसे देख रहा था कि वाह, मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग की है. Ben went on to stood by the side of Tom. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. तो बेन जो उसका फ्रेंड था वो वहीं खड़ा था टॉम के पास, लेकिन टॉम जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. टॉम के मुंह में एप्पल को देख के बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, लेकिन वो अपने काम में लगा हुआ था. Ben said, hello, you have got to work, hey. तो अब बेन ने क्या बोला कि मुझे लग रहा है तुम्हारे पास कुछ काम है करने के लिए. टॉम टर्न्ड राउंड सडनली एंड सेड, वाई, इट्स यू बेन, आई वॉज नॉट नोटिसिंग. तो जैसे अब जो है बेन ने ये सब बोला तो टॉम उसकी तरफ घूमा और उसने देखा, अरे ये तुम हो बेन, मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं. आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, टॉम सेड बेन. बेन ने कहा, मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ. Don't you wish you could, but of course you prefer to work. तो बेन ने कहा टॉम से कि मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ, तुम नहीं करना चाहते स्विमिंग? हाँ, मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए काम पहले है, तुम काम करोगे. टॉम रिज्यूम्ड हिज वाइट वॉशिंग. अब टॉम फिर से अपने वाइट वॉशिंग में लग गया. All I know is it suits Tom Sawyer. तो अब जो है क्या बोला उसने कि मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है. नाउ यू डोंट मीन टू से टॉम दैट यू लाइक इट. अब तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि टॉम तुम्हें ये काम पसंद है. द ब्रश कंटिन्यूड टू मूव. ये सब बातें सुनने के बाद भी ब्रश अपनी पोजिशन पे चला जा रहा था. लाइक इट, सेड टॉम. वेल, आई डोंट सी Why I ought not to like it? तो टॉम ने कहा, मुझे क्यों नहीं पसंद है ये काम, मुझे बहुत पसंद है. Does a boy get a chance to whitewash her fence every day? तुम्हें क्या लगता है बेन, क्या किसी बच्चे को फेंस को वाइट वॉश करने का काम रोज रोज दिया जाता है? नो, ये तो मैं लकी हूँ इसलिए मुझे ये काम मिला है. That put the thing in a new light. Ben stopped eating his apple. ये सुनते ही बेन ने क्या किया, अपने एप्पल को खाना छोड़ दिया. टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ सॉफ्टली लाइक एन आर्टिस्ट. टॉम जो है अपने ब्रश को बहुत ही सॉफ्टली आर्टिस्ट की तरह पेंट किए जा रहा था फेंस को. स्टेप बैक एंड नोट द इफेक्ट्स अगेन. थोड़ा सा ब्रश पेंट करने के बाद थोड़ा सा पीछे हटा, फिर देखने लगा आराम से कि उसने जो पेंटिंग की है वो सही से की है या नहीं की है. वाइल बेन वॉच्ड एवरी मूवमेंट. अब बेन क्या कर रहा था, टॉम के जो भी मूवमेंट्स है उसे बहुत ही केयरफुली देख रहा था कि अरे ये कैसे कैसे पेंट कर रहा है. नाउ अब ये सब कुछ देखने के बाद बेन ने क्या कहा, ही सेड, टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल. तो अब बेन ने देखा कि अरे वाह, ये तो बहुत इंजॉय कर रहा है टॉम. तो उसने टॉम से कहा कि प्लीज थोड़ी देर मुझे वाइट वॉश करने दो. टॉम वॉज अबाउट टू कंसेंट बट ही चेंज्ड हिज माइंड. टॉम जो बोलने वाला था, हाँ हाँ ले लो ब्रश को, तुम ले लो पेंट को ले लो, लेकिन उसने माइंड चेंज कर दिया. नो नो, आई सपोज इट वुड हार्डली डू बेन, ही सेड. यू सी, आंट पॉली इज ऑफली पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस, इट हैज गॉट टू बी वेरी केयरफुली डन. सो अब जब बेन ने क्या, टॉम ने क्या बोला बेन से कि
नहीं 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 मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ ये काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आंट पॉली इस फेंस को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। इस फेंस को उन्हें अच्छे से पेंट करवाना है और बहुत ही केयरफुली ये काम किया जाना चाहिए। आई सपोज देयर इज नॉट वन बॉय इन द थाउजेंड्स दैट कैन डू इट इन द राइट वे। अब मैं ये सोचता हूँ, मुझे पता है कि इस काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बच्चा बना है और वो हूँ मैं। किसने बोला? टॉम ने। नो, इज दैट सो? ओ कम नाउ, लेट मी जस्ट ट्राई, ओनली जस्ट अ लिटिल। आई वुड लेट यू इफ यू वर मी, टॉम। तो अब बेन ने ये सारी बातों को सुना कि अच्छा टॉम ने ऐसा सब बोला है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है टॉम, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। चलो एक बार तो ट्राई करने दो मुझे, और मैं सिर्फ थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ पेंटिंग कैसे की जाती है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना टॉम, तो मैं तुम्हें ब्रश दे देता। बेन, आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली, बट वुड आंट पॉली लाइक इट? तो अब जो टॉम ने बेन से कहा कि हाँ बेन, मैं तुम्हें देना तो चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि आंट पॉली बहुत गुस्सा करेंगी। वेल, जिम वॉन्टेड टू डू इट बट शी वुड नॉट लेट हिम एंड शी वुड नॉट लेट सिट डू इट ईदर। तो अब टॉम ने अपनी बातें बनानी शुरू की। उसने कहा कि पहले तो जिम भी ये काम करना चाहता था, सिट भी करना चाहता था, पर आंट ने उन्हें नहीं करने दिया। You see, this is the front fence and Aunt Polly is awfully particular about it. ये जो है fence का आगे का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है, तो aunt इसके लिए बहुत ज़्यादा particular है. If you were to try whitewashing this fence and anything was to happen to it, Tom ने बोला Ben से कि aunt इस front fence के लिए बहुत ज़्यादा particular है, और अगर इस फेंस को कुछ भी हुआ तो मैं नहीं बता सकता आंट क्या कहेंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। ओह कम ऑन, आई विल बी जस्ट एज केयरफुल। अब बेन ने ये सारी बातें सुनने के बाद टॉम की बोला, ओह कम ऑन प्लीज टॉम, मुझे फेंस को पेंट करने दो, मैं बहुत ही ध्यान से पेंट करूँगा। Now let me try, please मुझे try करने दो। I will give you half of my apple, मैं तुम्हें अपने apple का half part दे दूँगा। Well here take this, अब बहुत ही sad मन से Tom ने कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो। No sorry I can't let you, I'm afraid, I'll give you all of it. Well here take this, no sorry I can't let you, I'm afraid, I'll give you all of it. तो अब जो है बेन ने बोला कि मैं तुम्हें हाफ एप्पल दे दूंगा, तो टॉम कहता है नहीं 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 मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। फिर उसने क्या बोला, लो ये एप्पल ले लो, हाफ एप्पल दे रहा हूँ मैं। तो टॉम ने रिप्लाई किया नहीं प्लीज़ मैं तुम्हें काम नहीं करने दे सकता। तो अब जो है बेन ने क्या कहा, आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैं तुम्हें पूरा एप्पल दे देता हूँ, तुम पूरा एप्पल ले लो। टॉम गेव अप द ब्रश pretending to do so half-heartedly. अब टॉम ने क्या किया, बड़े बेतुक, बहुत ही मन नहीं था उसका ब्रश देने का, ऐसा वो बिहेव कर रहा था, और उसने ब्रश बेन को हैंड ओवर कर दिया कि अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। एंड वाइल बेन वर्कड एंड स्वेटेड इन द सन, the retired artist sat on the barrel swinging his legs, eating his apple and laying plots to take in other boys. तो अब क्या हुआ, टॉम ने ब्रश दे दिया था बेन को, बेन जो है पेंट कर रहा था, एंड बेन कहाँ पे पेंट कर रहा था, धूप में खड़े हो के पसीने बहा बहा के वो फेंस को पेंट कर रहा था। और जो टॉम था, जो कि एक रिटायर्ड आर्टिस्ट था, वो आराम से बैरल पे बैठा हुआ था, अपने पैरों को हिला रहा था, एप्पल को खा रहा था, और सोच रहा था कि कैसे जो दूसरे बच्चे उन्हें अपनी जाल में फंसाया जाए। बॉयज केम अलॉन्ग एवरी लिटिल वाइल, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे आए जा रहे थे। बाय द टाइम बेन वॉज टायर्ड आउट, टॉम हैड सोल्ड
out next chance to Billy, fisher for a kite in good repair. तो अब जब तक जो है बेन जो है काम कर रहा था, वो थक गए थे देर में. अब उसने देर में टॉम ने क्या किया, एक दूसरे बच्चे को पकड़ लिया जिसका नाम था बिली फिशर, और उसे पकड़ा उसने एक गुड काइट रिपेयर के लिए. अब बिली फिशर को ये काम दे दिया गया फेंस पेंट करने का. एंड वेन ही वॉज आउट, जॉनी बॉट द नेक्स्ट चांस फॉर अ डेड रैट एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट. अब जो है जब बिली फिशर क्या हो गया, थक गया, तो जॉनी को ये चांस मिला, और किसके बदले में, एक डेड रैट के बदले में. एंड सो ऑन एंड सो ऑन, धीरे धीरे करके बच्चे आते गए, वो अपना कोई ना कोई सामान टॉम को देते गए और बदले में पेंट करते गए. आर्स आफ्टर आर, घंटों, बहुत सारे घंटे निकल गए. एंड व्हेन द मिडिल ऑफ द आफ्टरनून केम, टॉम वाज जस्ट रोलिंग इन वेल्थ. और जैसे ही दोपहर का मिड आ चुका था, टॉम बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, पैसे वाला हो चुका था. मींस अलग अलग बच्चे आके उसे कुछ ना कुछ सामान दे रहे थे पेंट करने के बदले, तो बहुत ज़्यादा रिच हो चुका था टॉम इस समय तक. ही हैड इन एडिशन टू द थिंग्स मैंशन, अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी कि ये चीज़ें उन्हें मिली, बच्चों ने दी, इसके अलावा उसके पास थी 12 मार्बल्स, बच्चों ने उसे 12 मार्बल्स दे दिए, अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल ग्लास टू लुक थ्रू, एक ब्लू बॉटल ग्लास मिली उसे जिससे वो देख सकता था, अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, ऐसी चाबी मिली जो कुछ भी नहीं खोलती थी, अ पीस ऑफ चॉक, उसे एक चॉक का पीस मिला, अ टिन सोल्जर, एक टिन का बना हुआ एक सोल्जर मिला, 6 फायर क्रैकर्स, किटन विथ ओनली वन आई, अ डॉग कॉलर बट नो डॉग, अ हैंडल ऑफ एन आई एंड अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स ऑफ दैट कैन. तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ मेंशन है, ये सारी चीज़ों से मिली, इट वॉज जस्ट मैग्निफिशेंट. अब टॉम इस समय काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था. ही हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन विदाउट नोइंग इट, उसने क्या किया, उसने डिस्कवर कर लिया एक बहुत अच्छा लॉ ह्यूमन एक्शन का बिना उसे जाने, नेमली दैट इन ऑर्डर टू मेक एनी वन डिज़ायर अ थिंग, इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. अगर किसी भी इंसान से कोई चीज़ करवानी है, तो हमें क्या करना, उस चीज़ को ऐसा बना दो कि वो उस इंसान को लगे कि नहीं, ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो ये काम मुझे आसानी से नहीं मिल पाएगा. देन ही गॉट अप एंड वॉक्ड होम टू रिपोर्ट, अब वो घर जाने के लिए तैयार था, रिपोर्ट करने को तैयार था अपनी आंट को. It's all done, aunt. The whole fence, he said to his aunt. अब उसने अपनी आंट से कहा कि आंट पूरा फेंस जो है पेंट हो चुका है. Oh, Tom, she said in surprise when she saw the fence. You can work when you want to, only you hardly ever want to. तो आंट उस फेंस को देख के बड़ी खुश हो गई. उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा पेंट किया है और तुम काम कर सकते हो, लेकिन तुम काम करना नहीं चाहते हो. अगर लेकिन अगर तुम करना चाहो तो किसी भी काम को कर सकते हो. She took him home and gave him the best apple. अब वो उसे अंदर ले गई घर के अंदर और वहाँ पे उसे बहुत ही अच्छा एक बेस्ट एप्पल दिया. She had allowed him to go and play as well. और अब उन्होंने उसे खेलने की भी परमिशन दे दी थी. आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टॉम को मिली थी. So this was a chapter, wasn't it interesting? क्या ये अच्छा नहीं था? चलिए let's move on to glossary, which is your word meaning. So first word is world, which means turned. Second is uninspiring, boring. Multiplied means increase. Conscious means one's inner self. Magnificent का मतलब है great. Consent means giving permission. Half-heartedly showing little interest. Ridicule means unkind behavior. Dreading means afraid or worried. So these are the word meanings. Quickly learn them up. Now let's move on to book exercise. And here the first part is comprehension.
A question is multiple choice questions. So here children, the first question is, which of the following items is something that Ben Roger offers to Tom so he can help paint the fence? An apple, some kite string, a button of his sister's shoe, or a marble? So it was an apple. When Tom pretends to enjoy painting the fence, Ben decides to go swimming, get angry, becomes interested in the painting of fence, pretends to ignore. So he became interested in painting of fence. So like this children, you have to do the rest of the questions that are given here. Now let's move on to true or false. So children, here the first question is, Aunt Polly hated Tom and so she always scolded him. No, this is false. Aunt Polly punished Tom by making him work on a holiday. Yes, this is true. Similarly, do the rest yourself. Next, let's move on to reference to context. Here the first question is, it's all done, Aunt, the whole fence. Who is the speaker? So here the speaker is Tom. What was the work? So the work was painting the fence. Next, how was the work completed? So the work was completed by Tom and he played some tricks on other boys and he made them work and paint the fence. Why was he given the work? So he was given the work because he used to make his aunt fool and did not wanted to do work. So that's why he was given the work. Now do this second part yourself. It's your homework. And with this children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.